9 अगस्त चंद्रयान 3 थर्ड मून ऑर्बिट मैनुअर। चंद्रमा 3 पहुंचा चांद की तीसरी कक्षा में। बस अब 1437 किलोमीटर बाकी है। इसरो के चीफ ने दुनिया को के सामने खोल डाली असली सीक्रेट। उन्होंने बोला रूस के साथ डायरेक्ट कंपटीशन में उतरेगा भारत और उसको रेस में टक्कर देगा। चंद्रयान चंद्रमा के चारों ओर घूम रहेगा और 1 हफ्ता पहले ही उतारने का प्लान इसरो बना रहेगा। और जैसे जैसे वो ऑर्बिट कम होती जा रही है वो उसकी स्पीड कम करता जाएगा जिससे कि वो ठीक से लैंड हो सके मून पर। कोशिश कर रहा है कि वो 1 हफ्ता पहले ही उतार दे, जबकि इस समय उसकी स्पीड 1900 किलोमीटर पर आर है। ऐसे में अगर यान को चंद्रमा पर लैंड कराने में किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो इसके लिए हमारे पास पहले से प्लान भी तैयार है। लैंडर विक्रम का पूरा डिज़ाइन इस बार कुछ ऐसा बनाया गया कि कोई भी दिक्कत आ जाए तो इसके दूसरे पार्ट काम करने लग जाएंगे, जिससे कोई परेशानी जल्दी नहीं आएगी। फिर चाहे आखिरी वक्त में इसके सभी सेंसर और दोनों इंजन भी फेल क्यों ना हो जाए, 100% लैंडिंग होगी। मतलब 100% 100 किलोमीटर तक हम कोई भी कठिनाई नहीं देख रहेंगे। समस्या केवल पृथ्वी से लैंडर की स्थिति का अनुमान लगाने में है, एस सोमनाथन ने कहा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले चंद्रयान 2 मिशन के दौरान इसरो अपने लैंडर को चंद्रमा की सतह पर उतारने पर सफल नहीं हुआ था। एस सोमनाथन ने कहा कि हॉरिजेंटल से वर्टिकल दिशा में ट्रांसफ़र करने की क्षमता ही वो चाल है जिसे हम ठीक रखना चाहते हैं, जिससे कि हमारा चंद्रयान ठीक से लैंड करे। जब लैंडर उसके प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा तो चंद्रमा पर सुरक्षित लैंड करने के लिए इसे वर्टिकल में लाया जाएगा और चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड करेगा। इसरो हर पल की गणना कर रहा और उसकी सिचुएशन को देख रहा है कि वो कहाँ पर चंद्रमा के कक्षा में चक्कर लगा रहेगा। बस जिस समय वो लैंड कर रहे उस समय प्रोपल्शन मॉड्यूल काम करना चाहिए। अगर प्रोपल्शन मॉड्यूल काम करता रहेगा तो AI की मदद से, AI एल्गोरिथम की हेल्प से वो प्रॉपर ढंग से अपने चंद्रयान को चंद्रमा पे ईजिली उतार पाएगा और उसे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसी एल्गोरिथम ही बनी हुई है। तो 100% वो लोग श्योर हैं कि हम लोग चंद्रयान को ठीक से उतार लें। अभी तक आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो FB इंस्टा और ट्विटर पर शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके प्रेस बेल जरूर दबाएं। थैंक यू।